बढ़ते हैं, देखते हैं आज का स्टेट कौन सा। तो आज का स्टेट हमारा नागालैंड है, जिसे हम अल्फाबेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन को जूम किया जाए। 1 दिसंबर 1963 इज अ फॉर्मेशन ईयर, कोहिमा इज अ कैपिटल। एंड अगर मैं बात करता हूं यहां पर गवर्नर, जरा इसे पद्मनाभ आचार्य अगर गवर्नर हैं, जरा प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पी आचार्य इज अ गवर्नर ऑफ दी नागालैंड। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूं, कंफर्म जहां तक है यही है, बट फिर भी एक बार जरा रीचेक कर लेते हैं, एक भी गड़बड़ ना हो जाए। दीमापुर इज अ लार्जेस्ट सिटी, लीमापुर यहां पर लार्जेस्ट सिटी है। एंड नेफ्यू रियो इज अ चीफ मिनिस्टर, ये तो क्लियर है, न्यूली अपॉइंटेड है। एंड 12 डिस्ट्रिक्ट है, एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है। समझिएगा टोटल की बात करें, गवर्नर सही है, पी आचार्य इज अ गवर्नर ऑफ दी नागालैंड। दोबारा समझ लेते हैं, 1 दिसंबर 1963 को फॉर्मेशन ईयर हुआ, कैपिटल कोहिमा रही, लार्जेस्ट सिटी दीमापुर रही, गवर्नर पी आचार्य रहे, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो न्यूली अपॉइंटेड है, 12 डिस्ट्रिक्ट, एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट। तो डीएलआर नंबर क्या रहा, 120101। अरे सर कितने नंबर याद करें, अच्छा बेटा अभी मैंने दो चार के नंबर स्पेशल लोगों के बोल दिए होते ना, सबके रट डालते और बिल्कुल ऐसे रट डालते ना, घर का नंबर, पड़ोसी का नंबर, सबका नंबर। बट अभी मैं डीएलआर नंबर की बात करता हूं तो रोने लग जाते हो। अब डीएलआर नंबर भी याद करें, घर पर जाके बोलो मम्मी इसका नंबर भी मिल गया, उसका नंबर भी मिल गया। अरे बेटा किसका नंबर मिल गया, मम्मी डीएलआर नंबर मिल गया मेरे को नागालैंड का। मतलब क्या हुआ डीएलआर नंबर का, कि डिस्ट्रिक्ट रहे 12, लोकसभा सीट रही 1, राज्यसभा सीट रही 1। डीएलआर नंबर मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट रहे 12, एक लोकसभा सीट रही और यहां पर एक राज्यसभा सीट रही। लेजिस्लेचर की बात करेंगे, यूनिक कैमरल की, तो 60 सीटें हैं आपकी नागालैंड में। फिर दोबारा समझिए कितनी सीटें हैं नागालैंड में, 60 सीटें, उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था। संसद की बात करते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये तो क्लियर है सभी के। ऐसे ही हम बात करते हैं विधान सभा की, अगर विधानमंडल की बात करें, राज्यों में होते विधानसभा और विधान परिषद। जहां पर विधान परिषद नहीं होती उन्हें हम यूनिक कैमरल बोलते हैं, और यहां पर यूनिक कैमरल सीट कितनी है वो याद रखनी है, 60 सीटें हैं भाई कहां पर, नागालैंड में। आई होप सो क्लियर, वो कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जिस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होता असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, जिस देश के साथ होता म्यांमार है, यहां पर म्यांमार कंट्री लिखेंगे, बॉर्डर कंट्री कौन सी है, म्यांमार है। इटंकी नेशनल पार्क, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली वदजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रंगा पहाड़। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये आपके किस राज्य में स्थित है, ये आपके नागालैंड में स्थित है। इटंकी इकलौता नेशनल पार्क है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली वदजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये सभी की सभी आपके कहां पर स्थित है, नागालैंड राज्य में स्थित है। भाई शत शत नमन आप सभी लोगों को, आप सभी की वजह से 5000 बच्चे फिर दोबारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बता कितनी खुशी होती है, मेरे को बता नहीं सकता, कि जैसे 5000 बच्चे आ जाते हैं, अरे वाह क्या बात है। जिस दिन 4000 भी आते उस दिन भी खुशी होती है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब पढ़ने चले गए होंगे इधर उधर, बट ओवरऑल बात करें तो जितने बढ़िया बच्चे आते रहते हैं उतना और बेहतर। यहां पर लगता है ट्रैफिक ट्रैफिक चल रहा है, यहां पर सभी कह रहे हैं ओके। आई होप सो गाइस यहां पर क्लियर होता चला होगा आपके सब कुछ। अब यहां जरा मैप के थ्रू भी लोकेशन देख लेते हैं अपने नागालैंड की, तो कहां है भाई नागालैंड, 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 नागालैंड। तो ये रहा अपना नागालैंड। नागालैंड की बात करो तो यहां पर जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करा है, ये वाला पार्ट तो अरुणाचल प्रदेश का है, ये वाला पार्ट देखिए असम का है, एंड ये वाला पार्ट देखते हैं मणिपुर के साथ है। देखिए कौन कौन से रहे, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। म्यांमार की बात करेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो म्यांमार के साथ शेयर करता है। म्यांमार का नाम पहले बर्मा हुआ करता था। म्यांमार की कैपिटल नाइपिदो है, करेंसी क्याद है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो आरबीआई है, और आरबीआई इसके अलावा, इंडिया के अलावा दो देशों का केंद्रीय बैंक भी रहा है, उसमें से एक नाम बर्मा का है और दूसरा नाम आपको याद रखना है वो पाकिस्तान है।